हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे पास है कच्चे केले। तो आज हम कच्चे केले से कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चे केलों को अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल लिया है। और ये मेरे पास कुछ छिले हुए प्याज हैं और टमाटर। तो प्याज अगर मैंने मतलब जब भी हम ग्रेवी बनाते हैं तो प्याज हमें चार अगर यूज़ किए हैं तो हमने उससे डबल क्वांटिटी में टमाटर यूज़ किया है। तो इन सबको हम कुकर में डालकर दो विसल आने तक कुक कर लेते हैं। तो जब तक ये कुक हो रहे हैं आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए बातों बातों में ही मेरे जो केले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। कुकर की जो विसल थी वो भी शांत हो गई थी तो मैंने कुकर को खोल दिया। अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर और प्याज है उसे अलग कर लिए और जो ये कच्चे केले हैं इन्हें अब हम छील लेते हैं। ये थोड़ा जब ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें छीलना, ठीक है। अब ये जो है मैंने सारे कच्चे केले को अच्छे से छील लिया है। अब एक फोर्क की सहायता से मैं इसे मैश कर लूँगी। अब जब कच्चे केले हमारे मैश हो जाएंगे अब मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर लिया और ये थोड़ा सा अजवाइन है मेरे पास, इसे भी हाथों से क्रश करके ऐड कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये कसूरी मेथी है तो इसे भी मैंने हाथों से अच्छे से क्रश करके इसी में ऐड कर लिया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 1/2 किलो कच्चे केले थे तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। और इसका जो ये डो है ये ज़्यादा टाइट नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कितने सॉफ्ट तरीके से इसके बॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और फिर इसके बॉल्स बना लीजिए। तो यहाँ पर मेरे जो बॉल्स हैं कच्चे केले के ये बन चुके थे और इनको हमें हमेशा बेसन में रखा जाता है। हल्का हल्का सा ऊपर से बेसन कोट करना पड़ता है तो इससे क्या होता है हमारे जो बॉल्स हैं वो तेल में बिखरते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे जो केले के कोफ्ते थे वो फ्राई भी हो चुके हैं। अब मैंने तेल में से निकाल लेती हूँ और एक तरफ में जो हमने टमाटर और प्याज को बॉईल करके रखा हुआ था उन्हें भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो सेम ऑयल में जिसमें मैंने ये कोफ्ते सेके थे उसी तेल में मैं हमारी ग्रेवी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया है और अब थोड़ा सा हींग, चुटकी भर हींग भी डाल दीजिए और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रखना कि जब हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ऑयल में तो ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और बस साथ ही साथ में जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का वो भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं बाकी के मसाले डाल देती हूँ बचे हुए, जैसे धनिया पाउडर हुआ तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा नमक, अब यहाँ पर मैंने पूरी सब्जी का नमक ऐड किया है तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। बस इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद ये मेरे पास है किचन किंग मसाला। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का किचन किंग मसाला यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, हमने कसूरी मेथी कोफ्तों में भी मिलाई है और यहाँ पर ग्रेवी में भी। इसे भी हाथों से क्रश करके अच्छे से मैंने हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लिया है। और 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पका लेती हूँ या फिर जब तक कहें कि हमारी जो ग्रेवी है वो ऑयल रिलीज़ ना करने लगे। तो यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी है वो ऑयल रिलीज़ करने लगी है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे कुक करके। अब आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। बट यहाँ पर अभी एक और चीज़ बाकी है, वो है ये फ्रेश मलाई। आप कोई भी मलाई यूज़ कर सकते हैं, दूध की या फिर अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी मिक्स करके अच्छे से 2 मिनट के लिए और कवर करके हमें पका लेना है। अब आप देखिए हमारी जो सारी ग्रेवी है उसमें ऑयल कितने अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर अब हमें हमारे कोफ्ते जो हैं ऐड कर देने हैं। जिस तरीके से हमारे ग्रेवी में ऑयल रिलीज़ हो रहा है तो ये सिम्टम होता है कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से कुक हो गई है। अब बस ज़रूरत अनुसार यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया। कच्चे केले के जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं तो उनमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास लगभग पानी ऐड किया है और आप ये देखिए मेरी जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे पूड़ी पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।